हेमोरॉइड की बात करते हैं हम। तो हेमोरॉइड जो होते हैं इसके पीछे जो मेन रीज़न होता है वो होता है इंक्रीज्ड एब्डोमिनल प्रेशर। इसके और क्या रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे? प्रेगनेंसी हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्रोनिक डायरिया हो सकता है, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, ये सब रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे। तो देखो, एक डेंटेड लाइन होती है, इसके ऊपर जो हेमरॉइड पाए जाते हैं उनको कहते हैं इंटरनल हेमरॉइड्स, और इसके नीचे बाहर की साइड जो हेमरॉइड मिलते हैं उनको कहते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। ग्रेडिंग की बात करें हम हेमरॉइड्स की, अगर हम ग्रेडिंग करें तो जो फर्स्ट डिग्री का होता है ना उसके अंदर प्रोलैप्स नहीं होता है, वो अंदर ही रहता है। बाकी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों के अंदर हमें प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। सेकेंड डिग्री के अंदर जो प्रोलैप्स मिलता है ना वो स्पॉन्टेनियस रिडक्शन होता है, मतलब बाहर निकलता है लेकिन ऑटोमेटिकली अंदर चले भी जाता है। थर्ड डिग्री के अंदर प्रोलैप्स होता है और मैनुअल रिडक्शन करना पड़ता है, मतलब खुद की मेहनत करके वो अंदर जाता है। लेकिन जो फोर्थ डिग्री होता है उसके अंदर वो प्रोलैप्स रहता है और फोर्सफुली अंदर भी नहीं जाता है, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। ये आप देख सकते हो कितना गवाही आती है डायग्राम है हेमरॉइड्स का। अब देखो, इंटरनल हेमरॉइड और एक्सटर्नल हेमरॉइड, दो तरह के हेमरॉइड होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? जो इंटरनल हेमरॉइड होता है वो होता है पेनलेस, और जो एक्सटर्नल होता है वो होता है पेनफुल। जो एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल का एक्स ले लो तो इसका ट्रीटमेंट होता है एक्सीजन, और इंटरनल हेमरॉइड के अंदर हम करते हैं क्या? बेंडिंग। सिड्स पाथ क्या करता है? ये पेरिनियम को क्लियर करता है। फॉर थ्रोम्बोस्ड हेमरॉइड्स के लिए बात है, ऑइंटमेंट विद एंटी स्पास्मोडिक एजेंट जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन टू रिड्यूस स्फिंक्टर स्पैजम। ठीक है, देखो ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं? रबर बैंड लाइगेशन होता है, स्क्लेरोथेरेपी भी होता है, इसके अलावा इंफ्रारेड कैटराइजेशन ऑफ कोगुलेशन फॉर कोगुलेशन। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रबर बैंड लाइगेशन की। इनका मोस्टली यूज़ करते हैं ग्रेड 2, 3, 1। तो रबर बैंड लाइगेशन का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो होता है पेन। बात करें स्क्लेरोथेरेपी की, तो इसके अंदर इंजेक्शन के दिया जाता है स्क्लेरोसेंट एजेंट का, जैसे कि फिनॉल हो गया। ये क्या करता है? ये कॉज करता है हेमोरॉइड टू श्रिंक। हाँ, तो इसके अंदर क्या है कॉम्प्लिकेशन? इसके अंदर डर है रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टुला बनने का। इंफ्रारेड कॉटराइजेशन की बात करें तो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होता है इसकी मोर रिकरेंस। इसके अंदर क्या करते हैं? इंफ्रारेड लाइट वेव का यूज़ करते हैं टू बर्न हेमरॉइड्स। इंडिकेशन फॉर सर्जरी, अगर ग्रेड 4 है इंटरनल तो हम क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं। इसके अलावा ये जो ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है वो काम ना आए तब। इसके अलावा सिवियरली सिम्टोमेटिक हेमरॉइड्स, इन सब कंडीशंस में हम क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं। सर्जरी कौन कौन सी है हमारे पास? एक होती है ओपन हेमरॉइडेक्टोमी, एक होती है क्लोज्ड हेमरॉइडेक्टोमी। जो क्लोज्ड होती है उसे फेरुक्सन भी कहते हैं। इसके अलावा एक स्टेपल्ड हेमरॉइड ओपेक्सी होती है, और एक डोपलर गाइडेड हेमरॉइडल आर्टरी लाइगेशन होता है।